नूपुर शर्मा का सिर कलम करने वाले को इनाम में मकान देने का ऐलान करने वाला सलमान चिश्ती अब तक अजमेर पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और तलाश में छापेमारी की भी बात कही जा रही है, लेकिन सोमवार से ही अजमेर में वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहे शख्स की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में नूपुर शर्मा के समर्थन पर एक कन्हैयालाल की गला काटकर हत्या कर दी गई, तो भड़काऊ भाषण को लेकर अजमेर से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अजमेर के एडिशनल एसपी विकास सांगवान ने कहा है कि आरोपी नशे की हालत में लग रहा है और उसकी तलाश की जा रही है, वह अभी तक फरार है। विकास सांगवान ने कहा, यह वीडियो हमें व्हाट्सएप से मिला था, हमने मुकदमा दर्ज किया है, एक टीम लगा दी है, दरगाह शरीफ में रहने वाले आरोपी की तलाश की जा रही है, वह नशे में लग रहा है, उसने नशे में बयानबाजी की है, दरगाह से जुड़े लोगों ने इसकी निंदा की है, जिस तरह की बयानबाजी की गई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, अभी आरोपी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर सलमान ने फोन अपने घर पर ही छोड़ दिया ताकि उसे आसानी से ट्रेस ना किया जा सके। यह बेहद सघन आबादी वाला इलाका है। पुलिस की कई टीमें सलमान चिश्ती की तलाश में जुटी हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस पर इस मामले में देर से एक्शन में आने का आरोप लग रहा है। अजमेर गरीब नवाज की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने अपना एक वीडियो जारी किया है, जिसके बाद वह वीडियो शहर में वायरल भी हो गया। इस वीडियो में सलमान चिश्ती नूपुर शर्मा को गोली मारने व जान से खत्म करने की बात कह रहा है। साथ ही सलमान चिश्ती ने वीडियो में कहा कि जो भी शख्स नूपुर शर्मा को जान से खत्म करेगा उसे वह बतौर इनाम में पैसे और मकान देगा।